आपका पसंदीदा अल्कोहल ब्रांड आजकल प्लास्टिक बोतल में सर्व किया जा रहा है, मतलब सेल किया जा रहा है, आपने नोटिस कर चुके होंगे। और आप देखे होंगे कि आपका जैसे ओल्ड मॉन्ग है, व्हाइट मिस्टी है, स्मिरनॉफ है, जिम बीम है, बहुत बड़ा ब्रांड भी है, वो भी आजकल प्लास्टिक बोतल में अल्कोहल को सेल करते हैं। जैसे कि ये देखिए प्लास्टिक बोतल, तो मेरा कहना है कि प्लास्टिक बोतल में अल्कोहल सेल करना क्या सेफ है, क्या सही है? और तो और हम लोग कुछ हरकत करते हैं जो और भी डेंजरस है। जैसे कि हम लोग जब अल्कोहल पीना चाहते हैं तब हम लोग क्या करते हैं, अपना एम्प्टी बॉटल जो होता है वाटर बॉटल, उसमें अल्कोहल को डालते हैं और साथ में वहां पर वाटर को भी डालते हैं, और डालने के बाद हम लोग उसको स्टोर करते हैं या कहीं सफर के टाइम पे वो चोरी छुप के पीते रहते हैं। क्या ये प्रैक्टिस सही है? आज इस वीडियो से हम लोग यही जानने का कोशिश करेंगे कि प्लास्टिक बॉटल कितना सेफ है। फ्रेंड्स, घर में बैठ के आप क्या ड्रॉप बियर का मजा लेना चाहते हैं? तो ये देखिए, और पसंद आए तो डिस्क्रिप्शन में जाके ऑर्डर भी कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन था कि अल्कोहल को प्लास्टिक बॉटल में सेल करना सेफ है या नहीं। तो मैं इसके जवाब में बोलूंगा जी हाँ, 100% सेफ है। और क्यों सेफ है? क्योंकि ये कुछ स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हुए आपको सील करता है। जो बॉटल्स, प्लास्टिक बॉटल्स आपके पास अल्कोहल के साथ आता है उसको बोला जाता है पेट। पेट का मतलब पॉलीमर, पॉलीमर से बना हुआ प्रोडक्ट। थोड़ा विस्तार से समझते हैं कि क्या है ये पेट। पीईटी मतलब पेट स्टैंड फॉर पॉलीथिलीन टेराफिलेट, एक्चुअली अ फॉर्म ऑफ पॉलिएस्टर जिसको प्लास्टिक का बॉटल का शेप में करके फूड एंड बेवरेज को पैकेजिंग किया जाता है। पेट हाईली वैल्यूड पैकेजिंग मटेरियल है, स्ट्रॉन्ग एंड लाइट वेट है, नॉन रिएक्टिव है, मतलब फूड के साथ या आप कोई अल्कोहलिक बेवरेज के साथ या कोल्ड ड्रिंक्स के साथ कुछ भी आप सर्व करो तो वो कभी भी रिएक्ट नहीं करता है फूड के साथ। और तो और काफी इकोनॉमिकल भी है, एंड फूड एंड बेवरेज सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसको अप्रूव भी करता है, मतलब ये हाईली हाइजीनिक एक प्रोडक्ट है जहां पर अल्कोहल को सर्व किया जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि आप अगर उसको लॉन्ग टर्म के लिए रखेंगे तो क्या असर करने वाला है? यहाँ पर मैं आपको कुछ बोलना चाहूंगा। देखिए, आप जब कोई भी ब्रांड खरीदते हैं जो पेट बॉटल में सेल करता है वो मोस्टली रेगुलर ब्रांड होता है, एक्सपेंसिव ब्रांड होता नहीं है। हालांकि कुछ ब्रांड्स है जो बर्बन विस्की है, कुछ ब्रांड है जो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, मैं मानता हूं, बट मोस्टली जो है वो चीप ब्रांड के साथ। अब ये जो ब्रांड है ये जब हम लोग खरीदते हैं ये हम लोग स्टोर ज्यादा करते नहीं है, मतलब ओल्ड मॉन्ग अगर आप खरीद के लेंगे आप थोड़ी क्या उसको 3 साल के लिए 4 साल के लिए घर में रखोगे, फिर भी कोई कोई रख देता है। और यहाँ पर आप एक गलत करेंगे अगर उसको सालों साल रख देंगे तो। इसीलिए रिकमेंडेड है कि अगर वो पेट बॉटल में अल्कोहल है तो उसको जल्दी जल्दी खत्म कर लीजिए। अब मैं अगर आपको फेयर आइडिया दूं, 2 साल अल्कोहलिक पेट बॉटल्स को आप रख सकते हैं घर में, उससे ज्यादा रखना ठीक नहीं है। अब आता हूं सेकेंड पॉइंट की तरफ, जो अक्सर हम लोग करते हैं, जो एम्प्टी बॉटल होता है वाटर बॉटल उसमें हम लोग अल्कोहल को डाल के रख देते हैं, ट्रेन में सफर करते हुए पीते हैं या इधर उधर छुप के पीते हैं, कुछ दिन तक घर में रख देते हैं, वो कितना जायज है? चलिए देखते हैं। ये जो वाटर बॉटल है ये फूड ग्रेड प्लास्टिक से बनाया जाता है, मतलब इसमें भी पॉलीमर रहता है, और पॉलीमर का अगर हम लोग डिवाइडेड करेंगे तो 2 कंपोनेंट को हम लोग जानते हैं जिसका नाम है इथिलीन ग्लाइकोल एंड टेरिफिलिक एसिड। इन दोनों केमिकल सब्सटेंस का नेचर या टेंडेंसी है अगर लॉन्गर पीरियड टाइम के लिए अल्कोहल को स्टोर किया जाता है प्लास्टिक कंटेनर में तो भारी मात्रा में अल्कोहल के साथ ये 2 एडिशनल कंपोनेंट्स घुल मिल जाता है। हॉट एरिया में उन सब बॉटल्स को स्टोर किया जाता है तो केमिकल और भी फास्ट रिलीज करता है अल्कोहल में, तो वो और भी खतरनाक हो जाता है। जब आप उसको पीते हैं तो आपको अलग लेवल का एक हेडेक देता है, साथ में आप जो मिलाए हैं उसका टेस्ट और भी बिगड़ जाता है। अगर आप उसको कोल्ड ड्रिंक के साथ मिलाते हैं तो और भी खतरनाक हो जाता है, मतलब शुगर, अल्कोहल और बाकी कंपोनेंट का रिएक्शन कमाल हो जाता है। तो आगे से याद रखिएगा, वो जो मिक्सचर आप बना के ट्रेवल करते रहते हैं वो एक्चुअली गलत है। मैं बोलूंगा कि आप अगर उसी दिन कंज्यूम कर लेते हैं उन अल्कोहल्स को तो इट्स फाइन, अगर आप 2 दिन या 3 दिन रख देते हैं तो
तो ये काफी खतरनाक है। तो आगे से याद रखिएगा कि प्लास्टिक बॉटल में जो अल्कोहल मिलता है वो सेफ इनफ टू ड्रिंक, बट 2 साल से ज्यादा अपने पास स्टोर मत कीजिए। तो यही था आज का सब्जेक्ट और होपफुली आपको वीडियो ये अच्छा लगा होगा। अगर सच में अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इस चैनल को। एंड फ्रेंड्स, प्लीज 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 ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली एंड डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव।